अभी फॉर्म वॉश वगैरह करवा लेते हैं बाइक को, देखते हैं वॉश भाई ये क्या है। तो मम्मा ने कॉल किया है और यहाँ पे एक्चुअली रिक्शा मिल नहीं रहा है कोई भी, क्योंकि मेरा घर अंदर जा कर के है। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो प्लीज? नंबर नहीं, आप इंस्टाग्राम आईडी ले लो मेरी। नहीं नहीं, आई मेक श्योर कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आप नंबर दे सकते हैं। हेयर स्मॉल करवा लिया, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। आ जा बढ़ जा भाई, मैं यहाँ पर आया था आपकी बाइक देखने का, मुझे लगा शाफेज भाई मिल गए, आप मिल गए। अच्छा तुम्हें लगा शाफेज भाई मिल जाएंगे और शाफेज भाई मिल ही गए हैं। तो यार पहले तो हेयर्स को इग्नोर कर देना, बिकॉज मैं अभी नहा के आया हूँ और आपको पता है नहाने के बाद भाई हेयर गीले रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, तो मैंने अभी थोड़ा ड्रायर कर लिया। ज्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि हीट पर अगर मैं करूँगा ना ड्रायर तो मेरे यहाँ पे दर्द चल रहा तो और ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं आपके लिए ब्लॉग भी नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मैं हेलमेट लगाऊंगा। मेरा हेलमेट इतना ज्यादा भारी, तो सोच सकते हो अगर मैं 2 किलो का हेलमेट अपने मुंह पे लगा के चलूंगा और बाहर अगर धूप निकल रही होगी, क्योंकि मैंने अभी बाहर निकल के नहीं देखा वेदर आज का कैसा है, तो अभी बाहर निकल के पता लगेगा धूप है। कल तो बारिश पड़ रही थी यार, कल इसलिए मैं ब्लॉग नहीं ला पाया था। पूरा पूरा यार 4 दिन हो गए मैंने बाइक नहीं चलाई, तो सोच सकते हो यार आज हैंडल आएगा तो क्या फीलिंग रहेगी। बाइक लवर के लिए क्या रहती है, जब उसकी बाइक मतलब कुछ दिन बाद भी उसके पास आती है ना, 2 दिन बाद भी, तो मेरा मन नहीं था, मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी, वीडियो वगैरह में लगा पता मैं किसी प्रोजेक्ट में, तो मैं इसलिए घर पे आराम कर रहा था और घर पे काम कर रहा था। तो आज निकलेंगे और आपके लिए किलर सब लोग लाएंगे। बाकी वेलकम टू व्लॉग चैनल, दिस इज शाफेज। सो आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो एंड तक बने रहना। और गाइज अगर आप रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाकी रिंग लाइट के सामने भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, इतना ज्यादा दर्द रहने लगा ना यहाँ पे, बस पूछो ही मत। बाकी मैंने वियर करी है ब्लैक शर्ट, सिंपल वॉच और सिंपल ब्रेसलेट, जो मॉम ने दिया था वो तो मैं हमेशा करता हूँ आपको पता है। तो अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं, बाहर का वेदर देखते हैं क्या सीन है। तो पहले तो मैं बैग वेग कर लेता हूँ यार अपने हेलमेट में, मतलब गोप्रो वगैरह को सेट कर लेता हूँ क्योंकि गोप्रो भी सेट नहीं करा अभी तो मैंने, लेकिन चार्ज कर लिया था मैंने परसों ही कर लिया था, लेकिन कल बारिश पड़ गई थी, कल प्लान था मेरा व्लॉग बनाने का। तो अभी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो नहा आगे तो आ गया था मैंने ड्रायर, मतलब मैं ज्यादा कर नहीं सकता। देखो यार हेयर्स तो मतलब सही है, मैंने स्मॉल करवा लिया था भाई, काफी कमेंट आ रही थी भाई हेयर्स स्मॉल करवाओ लो भाई लो हेयर्स स्मॉल करवा लिया, आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, साइड के स्मॉल करवाए मतलब ऊपर के नहीं करवाए इतने, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो यार कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई। बाकी मेरी आवाज़ तुम्हें चेंज चेंज से लग रही होगी, तो मेरा गला बैठ रहा थोड़ा सा, इग्नोर कर देना यार पूरे ब्लॉग में। तो अभी गोप्रो वगैरह सेटअप करते हैं और फिर चलते हैं पार्किंग में, बाइक निकालते हैं, कॉल स्टार्ट करते हैं पूरा पूरा 4 दिन बाद और फिर निकलते हैं फुल पावर आपके लिए ब्लॉग बनाने। सो गाइस ये चेक करो मेरे चिक्स पे कितना बड़ा पिंपल निकल गया, तो यार इसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है और चेहरा भी मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इग्नोर करना। तो सब जितने भी कहने मिल रहा है कह रहे हैं भाई क्या हो गया, तो ये पिंपल है यार क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और मैंने आम और खा लेते, आम मेरे फेवरेट हैं। और अभी मैंने शारिक भाई से कह दिया आम की पेटी आनी चाहिए घर पे 4-5, तो वो कह रहे हैं ठीक है भाई मंथ के लास्ट तक जाऊंगा। तो अभी पार्किंग तक आ गया हूँ, बाइक निकालते हैं फिर बाइक पे मिलते हैं आपसे। तो ये रहे अपनी बीस्ट की और ये रहे अपनी बीस्ट, तो पहले ऐसा करते हैं कॉल स्टार्ट पूरे पूरे 3 दिन बाद। तो ये ऑन हो भाई, बैटरी डाउन हो गई हो इसकी? नहीं भाई नहीं हुई, अर्बन मोड। सो ये हो गई भाई, हो गई एक ही बार में हो गई, 3 दिन बाद कॉल स्टार्ट करिए। बाकी इसकी हालत चेक करो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, तो वॉश वगैरह तो नहीं करवाऊंगा अभी मैं, जल्दी जल्दी से निकलते हैं और पार्किंग से बाहर निकलते हैं। अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए भाई, आशा काफी भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं भाई। शुक्रिया भाई शुक्रिया, कैसे पहचाने मेरे को भाई? मैं यहां पर आया था आपकी बाइक देखने का, मुझे लगा शाफेज भाई मिल गए, आप मिल गए। अच्छा तुम्हें लगा शाफेज भाई मिल जाएंगे और शाफेज भाई मिल ही गए हैं। और सारे भी लोग देख रहे हो बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई। तुम मेरी वीडियो से देख के पहचान गए मेरी पार्किंग से? अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया? क्या करते हो, स्टडी? अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई चलो आ जाओगे तुम कल वाले व्लॉग में, ठीक है? चलो भाई ध्यान रखो। तो यार ये बच्चों का प्यार ही बहुत है अपने लिए, जब बच्चे मिलते हैं ना और दिल से सपोर्ट करते हैं, बच्चे जो है ना दिल से सपोर्ट करते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता हमसे, बस उनका दिल होता है कि भाई उन्हें पसंद आ रही है हमारी वीडियो, तो दिल से सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं यार, क्योंकि उनके दिल में कोई खोट नहीं होती, कोई सी चीज़ का मतलब नहीं होता वीडियो वगैरह का, पैसे वगैरह का, तो इसलिए यार बच्चे प्यारे लगते हैं। देखो इस बंदे ने क्या, मुझे लगा शाफेज भाई मिल जाएंगे, मैं पार्किंग तक आया था और शाफेज भाई मिल गए। तो यार दिल से लव यू है यार बच्चों को सारे, और सबको जितने भी सपोर्ट करते हैं ना मुझे बंदे, उन्हें सबको दिल से लव यू। यार वेदर का तो कुछ पता नहीं है, कभी धूप निकल लेगा कभी कुछ हो रहा है, बस बारिश ना पड़ जाए क्योंकि ब्लॉग हो नहीं पाएगा। तो अभी तो राइड करते हैं एक छोटी सी, 4 दिन बाद यार मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है तो पेट्रोल भी फिल करवाएंगे। बाकी यार अलग ही वाइब आ रही है, अर्बन मोड पर सी चल रही है यार, सामने रेड लाइट है, रेड लाइट से निकालने का तरीका ये है, देखो ऑटो वाला जो कर रहा है ये चढ़ाई इस पर। चलो 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 ब्रो, ओ भाई इसने ऑटो वाले ने एकदम रोक दी। मेरे साथ पार्किंग में एक सीन हो गया, मतलब मैंने अपना गोप्रो का माउंट लगाया था जिसमें मतलब कि वो फिट होता है ना गोप्रो,
तो जैसे मैंने थोड़ी दूर बाइक चलाई ना तो एकदम पूरा गोप्रो गिर गया मेरे हेलमेट से निकल के। मुझे लगा भाई गोप्रो गया, लेकिन वो लटका हुआ था यहीं पे। मैंने देखा, मैंने कहा बच गया भाई, वायर से बच गया, वायर से लटका हुआ था खाली इतना भारी गोप्रो। रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, यहाँ की तो लाइट ही खराब है। अपनी मर्जी से चलते हैं बंदे, रात में ट्रैफिक वाले खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, वो निकलवाते हैं बंदों को। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अपने भाई को, शाफिज रोड फॉर यूजर नेम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यार पिछले वाले टायर में मेरे हवा कम है तो इसलिए बवल हो रही है थोड़ी बाइक। हवा भी चेक करवा लेंगे एक बार, पेट्रोल पंप मिले पहले। लक्ष्मी नगर में ये पेट्रोल पंप तो अब शायद वहीं पे मिलेगा, लक्ष्मी नगर में, उससे पीछे तो है नहीं। मेरे से यार हैंडल नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ये धूप में खड़ी थी बाइक तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, मैंने पानी तक डाल लिया। लेकिन तुम हैंड की हालत चेक करो, पूरा रेड पड़ा है इसकी वजह से। तो मैं पकड़ लूँ ना तो इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है हीट लगी हुई अपने बाइक में, मतलब हीटर लगा हुआ है हैंडल के अंदर। व्हीली देखो तुम एक बार। बाकी वेदर तो यार बहुत ज़्यादा प्यारा ही हो गया, तो वेदर की तो कुछ कहनी नहीं है यार। वेदर इतना ज़्यादा प्यारा रहेगा ना तो व्लॉग बनाने में इतने ज़्यादा मज़ा आएंगे ना, मतलब अल्टीमेट मज़ा। ये देखो यहाँ पे बम्पर आता है लीन पे। ओ भाई आ जा, बढ़ जा साले, देख रहे हो, मतलब लाया जा रहा है बंदे को, दिख रहा है बाइक तेज स्पीड मारे और मेरी लेटी हुई बाइक है, मैं कहाँ से उठाऊँगा, रॉन्ग साइड ला रहा है। तो वाले पेट्रोल पंप आ गया यहाँ पे, हर बार बताता हूँ ब्लैक में पेट्रोल मिलता है, देखो बाहर लगा रखे हैं पेट्रोल पंप भी। तो यहाँ पे देख के यार दो बाइकों की और याद आ गई, रईस भाई और राजा भाई की। तो क्या ही कहना, पेट्रोल फिल करवाते हैं, फुल करवाता हूँ मैं, फुल देखते हैं कितने मोती है। खाली दो तीन थैले मेरी बाइक में, फुल कर दो फुल, तो देखते हैं फुल कितने मोती है। मेरा तो अंदाज़ा भाई 700-800 में फुल हो जाएगी। देखो भाई 700 का कट हो गया, हो जाएगा भाई 800 तक कर दो, 800 कर दो। देखा तुम्हारे भाई का अंदाज़ा कभी गलत नहीं निकलता। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ यार बाइक को वॉश ही करवा लूँ मैं, क्योंकि बाइक वॉश नहीं हुई तो यहाँ पे फॉर्म वॉश होती है। जैसे कि तुम्हें पता है पिछली बार मैं राजा वाजा भाई के पास आया था तो यहाँ पे मैंने फॉर्म वॉश करवाई थी, तो अभी फॉर्म वॉश वगैरह करवा लेते हैं बाइक को, देखते हैं वॉश। भाई ये क्या है, लड़की रोक रही है भाई, ये क्या सीन है, फैन वगैरह होएगी। ये आवाज़ नहीं आ रही आपकी, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे। मेरे को ना घर पे इमरजेंसी में पहुंचना है, गेस्ट आ गए हैं घर के अंदर, तो मम्मा ने कॉल किया है और यहाँ पे एक्चुअली रिक्शा मिल नहीं रहा है कोई भी, क्योंकि मेरा घर अंदर जा कर के। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो प्लीज़? लिफ्ट तो रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा यहाँ से? नहीं, यहाँ से रिक्शा मिल तो रहे हैं पर वो अंदर नहीं जा रहे, मना कर रहे हैं क्योंकि मेरा घर अंदर है थोड़ा सा। आपका घर अंदर है, कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? बस 5-10 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। 5-10 मिनट का इमरजेंसी है आपको? हाँ? इमरजेंसी है आपको? जी, घर में गेस्ट आए हुए तो मम्मा ने कॉल किया कि जल्दी से आ जा, मैं तो एक्चुअली यहाँ पे काम से आई हुई थी। अच्छा अच्छा, तो यार इमरजेंसी है इनकी, तो देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। आपको पता है घर का रूट? हाँ, क्योंकि मेरे ये मैप लगाऊँ? ठीक है ठीक है, आप बैठिए, बैठ जाओगी आप आराम से। हाँ 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 तो यार ये क्या सीन है, बैठ गए चले। आप मेरे को रूट बता देना, मेरे को रूट नहीं पता, मैं भी एक्चुअली किसी काम से जा रहा था अपने। तो यार इन्हें लिफ्ट की ज़रूरत है, कह रही है रिक्शा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपने रिक्शों से पूछा है? आपने रिक्शों से पूछा? तो बोल रहे थे कि बाहर छोड़ देंगे और मैंने मतलब बोला था कि अंदर जाना, तो अंदर जाने को मना कर रहे थे, यहाँ पे रिक्शे भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं भी काम से जा रहा था ना, तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कशिश। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूँगा। किधर जाना है? इधर। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है यार, फ्री तो हैं, फिर अपना काम निपटाते हैं, पहले इन्हें लिफ्ट दे देते हैं। तो फिर जी नहीं नहीं नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, मैं तो ऐसे ही आया था बस, व्लॉग वगैरह शूट करता हूँ ना, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ये कैमरा ही तो लग रहा है। तो सामने तो ट्रैफिक है, अब किधर जाना है? अब लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे तो भाई मेट्रो स्टेशन है कोई सा। ये मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है? निर्माण विहार। हाँ जी हाँ जी, V3S मॉल का तो पता है, लेकिन निर्माण विहार भूल गया था, मुझे लगा लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन ही है, लेकिन लक्ष्मी नगर पीछे है। करते क्या हो आप? अच्छा जी, तो भाई लड़की कह रही है मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब होम ब्लॉगिंग। अच्छा अच्छा, तो
तो आप मेरा हेलमेट देख के तो नहीं पहचाने? अच्छा अच्छा, नहीं कभी जानते हो इसलिए लिफ्ट ले रहे हो हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बार देखा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप किधर जाना है? यहाँ पे तो भाई एक जेर भी करके वो भी था क्लब वगैरह, और एक रूट 87 करके, तो वहाँ पे मैं पहले आता था काफ़ी, लेकिन अब तो नहीं आता। ये तो स्प्लेंडर वाला यहीं से कट ले रहा है, लेकिन हमें कहाँ से कट लेना है मेरे को नहीं पता, क्योंकि इन्हें कहाँ पे जाना है मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं यार, यही बता देगी फिर चलेंगे यार अपने, मतलब जो भी काम है लक्ष्मी नगर में वो पूरा करना है। और इसे कार वाले को देखो किधर जाना है, तो अब जो कट आएगा उससे भाई वो बता रही है राइट। ये देखो यार, ये देखो क्या कर रहा है बुड्ढे, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहीं से राइट, ओके ओके ओके, नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरे को भी इधर की साइड ही आना था, V3S मॉल। परेशान होने वाली बात क्या है भाई, कंटेंट मिल गया हमें तो ऐसा क्या परेशान होना, तो बंदों को लगता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्क्रिप्टेड हैं वगैरह कुछ, तो ऐसा भाई देखो मैं नॉर्मली आया था भाई, बाइक वॉश करवाने जा रहा था। आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर फॉर्म वॉश होती है, तो ये रेंडमली सीन होते हैं। एक बार और हुआ था, उसमें मैंने साफ बता दिया था भाई वो स्क्रिप्टेड है, जिसमें लड़की ने मेरे से लिफ्ट मांगी थी वो दोस्त की GF ही थी, तो काफ़ी लोगों को पता भी है वो समीर की GF थी, लेकिन ये आला भाई रेंडम हुआ है मेरे साथ सीन जो भी हुआ है। नहीं सामने कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया, राइट। हकीकत में भाई रॉन्ग साइड था इनका घर, इसलिए मेरे ख्याल से रिक्शे वाले मना भी कर रहे होंगे यहाँ। और यहाँ के रोड चेक करो तुम, रोड कितने ज़्यादा बुरा हो रहा है, ऑफ रोडिंग करवा रही है भाई ये लड़की जो भी है। क्या नाम बताया था, एक अच्छा सायशा, नाम क्या बताया था आपने, नाम क्या बताया था आपने, कशिश। घर किधर की साइड है आपका? बस अब सामने है। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से चलिए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, आप बहुत अच्छे हो। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम शाफेस। ओ आप व्लॉगिंग करते हो? हाँ जी। मैंने अभी जस्ट आपके बाइक पे पढ़ा यहाँ पे पढ़ा हुआ है। कैन आई गिव योर नंबर? मैं आपको पक्का परेशान नहीं करूँगी, आप ऐसा मत सोचना, आपने मेरी हेल्प की ऐसे इसकी। तो नंबर नहीं, आप इंस्टाग्राम आईडी ले लो मेरी। नहीं नहीं, आई मेक श्योर कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आप नंबर दे सकते हैं। नंबर नंबर यार, ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं भी एक्चुअली व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा नंबर थोड़ा पर्सनल है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूँगी सर, मैं जानती हूँ। अच्छा तो लाओ आप लिख लो, तो नंबर चाहिए यार इन्हें, तो नंबर दे देते हैं यार, ये लो ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं ना, ओके बाय। तो गाइस इस लड़की को लिफ्ट के चक्कर में मेरा नंबर मिल गया, ये क्या सीन हो गया तो अब जिस काम के लिए आए थे वहाँ पे चलते हैं। देखो यार ये सीन होते हैं, मतलब अगर तुम ये लेके चलोगे ना, मतलब कैमरा वगैरह बाइक वगैरह, वैसे गल लड़की के ड्रेस का वो कलर और मेरी बाइक का कलर सेम सेम था ना, ये बात नोटिस करी तुमने? तो गाइस अभी मैं V3S मॉल आ गया था कुछ खाने, क्योंकि मैं घर से कुछ नहीं खा के आया था, तो पहले कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं, खाते पीते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी लिफ्ट देख आया हूँ मैं, वो नंबर ले गई, मेरे को नहीं पता कब कॉल करेगी क्या करेगी, तो अभी तो फिलहाल कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं उससे। तो गाइस अभी मैं कोल्ड कॉफ़ी पीने आ गया था, तो पहले कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं यार, हॉट का तो मतलब दिल ही नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो कोल्ड कॉफ़ी करवाई है मैंने, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं आगे की साइड। तो गाइस अभी कोल्ड कॉफ़ी पी ली, और कोल्ड कॉफ़ी का टेस्ट तो भाई माशाल्लाह से था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, 200 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी और टेस्ट बोलना नहीं चाहिए यार, मैं खाने को बोलता नहीं हूँ बेसिकली। तो अभी जल्दी से चलते हैं यार, अकेला तो ऐसा लगता है जब अकेला कुछ खाता पीता हूँ ना, मतलब मेरे को शुरू से आदत है मैं दोस्तों के साथ खाता हूँ या किसी फ्रेंड वगैरह के साथ खाता हूँ, या अपनी बंदी तो एक ही रिया के साथ खाता हूँ, जब अकेले खाते हैं ना तो वाला सॉन्ग याद आता, कौन सा सॉन्ग याद आता है, वाला जग सोना सोना लगे तो जग सोना सोना लगता है अगर अकेले खाओ। बाकी तो अभी जल्दी से चलते हैं और V3S मॉल देख लो तुम एक बार, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यार यहाँ पे, पहले फ्लैट ले रखा था। तो कौन कौन है लक्ष्मी नगर से जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने कहा था पेट्रोल पंप को देख के यार राजा भाई की याद आ गई,
तो ये चेक करो भाई कौन है अपने साथ। गाइस फाइनली हम आ गए हैं भाई जम्मू से वापस, तब भी हम हाफिज भाई के पास आए हुए हैं, मतलब ये हमारे पास आए हुए हैं तो बड़ा मिस किया इनको। जब आपको पता हम दिल्ली आ रहे तो हम इन भाई से जरूर मिलते हैं, तो अभी हम भाई रूम की सेटिंग वगैरह कर रहे थे तो पीछे देखो नंगा इंसान देखो भाई, चेक करो सिक्स पैक दिखा रहा भाई पेट अंदर करके ना, ये वाला ब्लॉग तो चलो हम साथ में नहीं एंड तो कर रहे हैं, बट आने वाले ब्लॉग सारे हम साथ में बनाएंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो राजा भाई भी आ गए, अब साथ में ब्लॉग आएंगे बहुत ज्यादा किलर किलर। तो ये देखो यार ये बंदा मतलब बॉडी दिखाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।